हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ेंगे भाषा। भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से हुई है और भाष धातु का अर्थ है व्यक्तवाणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने विचार विनिमय करने के लिए किसी न किसी एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसी को भाषा कहते हैं। भगवान ने संसार में बहुत से जीवों को बनाया, परंतु मनुष्य को एक ऐसा जीव बुद्धिजीव प्राणी बनाया जो एक दूसरे से बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, और जो विचार प्रकट करने का तरीका होता है उसे ही भाषा कहते हैं। तो देखो, भाषा क्या बताया था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहते हुए अपने विचारों का विनिमय करता है। अर्थात अपने विचारों का विनिमय, अपने मन के भावों का विनिमय करता है। उसके लिए उसे किसी एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसी को भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहते हुए अपने विचारों का विनिमय करता है। उसी के लिए उसे किसी एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसी को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा है, भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसी को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा को तीन रूपों में बांटा जाता है। कुछ लोग उसे दो रूपों में बांटता है, जिसमें बांटते हैं पहला मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को हम मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, साधारणतः बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं। यानी बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को, जब अपने मुख से कुछ बोलते हैं उन ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, अर्थात उसे लिखा जाता है, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा, परंतु कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। सांकेतिक भाषा वो होती है जो इशारों के माध्यम से समझाया जाए, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, इच्छा अनुसार होती है। लिखित भाषा कृत्रिम होती है। लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कोश दो कोश पर भाषा बदलती रहती है। उसी के अनुसार देखो, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, परंतु लिखित भाषा स्थिर रहती है। तीसरा पॉइंट, मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, परंतु लिखित भाषा में वाक्य बड़े बड़े होते हैं। मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं और लिखित भाषा में वाक्य बड़े बड़े होते हैं। अब आते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के तीन रूप होते हैं, मूल भाषा, लिखित मूल भाषा, विभाषा और बोली। मूल भाषा क्या है? तो देखो, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में एक भाषा रही होगी। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं कि विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक भाषा रही होगी, चाहे अब हमें उसका ज्ञान हो या न हो। परंतु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा बारूपीय परिवार रही है। आधुनिक भारतीय आर्यों की मूल भाषा बारूपीय परिवार रही है। ये हो गया मूल भाषा। विभाषा प्रांतीय या अप्रांतीय स्तर पर प्रयोग होने वाली भाषा भाषा कहलाती है। प्रांतीय बहुत प्रांतीय स्तर यानी बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा भूभाग, उनके सब लोगों के द्वारा एक भाषा काम में ली जाती है, उसी को भाषा कहते हैं। बोली प्रांतीय स्तर पर न बोली जाने वाली, यानी प्रांतीय स्तर पर बड़े भूभाग पर न बोली जाने वाली या मंडलीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अर्थात छोटे छोटे मंडलीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली होती है जैसे मगही, भोजपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली इत्यादि। ये क्या है? बोली है। ये हो गई बोली। अब भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र, क्योंकि बड़े भूभाग पर बोली जाती है, बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अर्थात बड़े भूभाग पर या बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भाषा कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इसका एरिया या इसका
बोलने के लिए थोड़ी ही दूरी काम में थोड़ी दूरी पर ही बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। भाषा की एक व्याकरण होती है, जैसे सब भाषाओं की व्याकरण होती है, कर्ता कर्ता कर्म क्रिया इनका प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध करते हैं। भाषा की एक व्याकरण होती है तो भाषा में व्याकरण काम में ली जाती है, परंतु बोली बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है, सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए जिस भी तरीके को हम काम में ले परंतु समझाना चाहें समझा सकते हैं, वो होती है बोली। भाषा का शब्दकोश पाया जाता है, भाषा का शब्दकोश होता है परंतु बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है परंतु बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होती है। बोली की कोई साहित्य रचना नहीं होती है बल्कि भाषा की साहित्य रचना होती है। ये हो गए भाषा और बोली में अंतर। अब देखते हैं हिंदी की विभिन्न बोलियां। हिंदी की विभिन्न बोलियां, तो हिंदी की विभिन्न बोलियां देखो, पहला है हिंदी, हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियों में उपभाषाएं और इधर है बोली। हिंदी में पहला है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोली आती है, वो है अवधी, अवधी बोली, बधेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी बोलियां हैं। इसके बाद में है राजस्थानी, राजस्थानी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, ढूंढाडी, ढूंढाडी, ये राजस्थानी बोलियां हैं। उसके बाद में है तीसरा पहाड़ी, पहाड़ी में गढ़वाली, पश्चिमी, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, कुमायूनी, ये गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमायूनी, ये पहाड़ी बोलियां हैं। इसके बाद में है बिहारी, बिहारी बोली में भोजपुरी, मैथिली, मगही, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू इत्यादि बोलियां बनकर हिंदी, ये सब हिंदी की बोलियां हैं। और
पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी ये उपभाषाएं ये हिंदी का हिंदी को मिलाकर हिंदी भाषा का निर्माण करते हैं, हिंदी भाषा का निर्माण करते हैं। इनके बाद में आता है आपने कभी कभी ये सुना होगा कि कुछ विद्वान कहते हैं कि 3 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी, 3 कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी, यानी 3 कोस पर पानी का मिठास बदल जाता है, 3 कोस पर पानी का मिठास बदल जाता है, परंतु 7 कोस चलने पर बोली बदल जाती है, बोली बदल जाती है। अर्थात विद्वान कहते हैं कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अब देखो भाषा की इकाई, इसके बाद में है भाषा की इकाई, भाषा की इकाई, भाषा की इकाई में पहला है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा शब्द या पद, चौथा है वाक्य रचना, वाक्य रचना। तुम दोस्तों देखो बोली बोली कभी 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 बोली का धीरे धीरे विस्तार होता रहता है, धीरे धीरे आगे बोली बढ़ती रहती है, कभी कभी बोली का धीरे धीरे विस्तार होता रहता है जिससे उस बोली में साहित्य और शब्दकोश की रचना होना प्रारंभ हो जाती है, यानी शब्दकोश और साहित्य की रचना होनी प्रारंभ हो जाती है, तब तो वह बोली भाषा में बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।